बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा से जुड़े विवादों की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी बाबा सुर्खियों में रहते हैं तो कभी उनका छोटा बिगड़ैल भाई। अपनी दैवीय शक्ति से लोगों की हर तकलीफों को दूर करने का दावा करने वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री अब खुद सवालों के घेरे में फंस गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों दरबार में आए दो लोगों की मौत बाबा के सामने हो गई थी। भूत और अभूत के चक्कर में एक महिला को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिला है। बाबा के चक्कर की आस में महिला के 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। इसके साथ ही उन पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ के आरोप लग रहे हैं। हमारे देश में हमेशा से ही धर्म के प्रति लोगों की गहरी आस्था रही है, यहाँ तक कि कई बॉलीवुड स्टार्स भी धर्म प्रेमी है। यूं तो बॉलीवुड के ज्यादातर सेलिब्रिटीज सभी धर्मों के त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो धर्मगुरुओं के बड़े भक्त हैं। आज हम ऐसे ही कुछ बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताएंगे कि वो किन धर्मगुरुओं के अनुयायी हैं। विराट और अनुष्का की कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हुई थी, जिसमें कपल को वृंदावन के आश्रम में देखा गया था। कपल को बाबा नीम करोली के भक्त माना जाता है। हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष गई को उनकी बेहतरीन फिल्में कालीचरण, हीरो, जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश के लिए जाना जाता है। साल 2006 में उन्हें सामाजिक फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया था। बता दें कि सुभाष गई राधे माँ को मानते हैं। उनकी तस्वीरें राधे माँ के साथ वायरल भी हुई थी। वही टीवी अभिनेत्री डॉली बिंद्रा और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और रवि किशन को भी राधे माँ के भक्तों में शामिल किया गया है। कई अन्य हस्तियां आध्यात्मिक गुरुओं में सांत्वना चाहती हैं, जिनमें कई विवादों में शामिल रहे हैं। शिल्पा शेट्टी वननेस यूनिवर्सिटी में दृढ़ विश्वास रखने से पहले द आर्ट ऑफ लिविंग की प्रबल फॉलोवर थी। वो अक्सर दौरा करती रहती हैं। ऋतिक रोशन जो कि वननेस यूनिवर्सिटी में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि वो जीवन में बहुत शांत और खुश हो गए थे। हालांकि विश्वविद्यालय कुछ साल पहले सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और अवैध रूप से सार्वजनिक जाँच के दायरे में आ गया था। लारा दत्ता न केवल रविशंकर के आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लेती हैं, बल्कि 2008 में फाउंडेशन की प्रशिक्षण भी बनी हैं। उन्होंने कई देशों में युवा सेवा परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। वहीं महेश भट्ट श्री रजनीश के आश्रम में शामिल हो गए, जिन्होंने पुणे आश्रम में नशीली दवाओं के उपयोग सहित अनियमित गतिविधियों के लिए आलोचना की है। यहाँ तक कि वो सेक्स, विवाह, समलैंगिकता जैसे कुछ नामों पर अपने विचारों के लिए भी मुसीबत में पड़ गए। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें टैग भी दिया गया था। वहीं संजय दत्त श्री रविशंकर के शिष्य हैं। वो अक्सर उनसे मिलने और उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए उनसे मिलते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं में विश्वास करती हैं। जिस तरह से उन्होंने उपदेश दिया और इस दुनिया में सकारात्मकता फैलाई है, वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। शाहिद कपूर और उनके पिता पंकज राधा स्वामी के दृढ़ विश्वासी हैं और उनके जरिए शाहिद को अपने जीवन में प्यार मीरा राजपूत से मिला। राधा स्वामी सत्संग बैस का अपना ही विवाद रहा है। आपको बता दें कि शाहिद कपूर और उनके पिता पंकज राधा स्वामी के दृढ़ विश्वासी हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम और छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।